हेलो फ्रेंड्स, मैं सुनील आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल फेवर एजुकेशन में स्वागत करता हूं। तो हम लोग पढ़ रहे थे सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट का हम पहला भाग कर चुके थे, जिसमें आपने मैं बेसिक जो होता है आपको समझाया था, और फॉर्मूला आपका ऐसा ही बराबर PRT/100 कैसे बना था ये बताया था, और इसमें आपको कुछ क्वेश्चन भी समझाए थे कि किस तरीके से हम स्मार्ट अप्रोच से जल्दी जल्दी क्वेश्चन किस तरीके से करते हैं। तो आइए, ये हमारा सिंपल इंटरेस्ट का दूसरा पार्ट है। इसमें कुछ और क्वेश्चन अच्छे क्वेश्चन देखेंगे। आइए देखिए देखते हैं। देखिए आपका पहला क्वेश्चन कह रहा है, किसी धनराशि को 16% की दर से 3 साल के लिए उधार दिया गया और उतना ही धन 16% दर से 5 साल के उधार दिया गया, तो दोनों से प्राप्त ब्याज का अंतर 640 रुपये है, तो उधार दिया गई मतलब उधार दी गई धनराशि कितनी है। तो देखिए आज का आपका पहला क्वेश्चन है, ठीक। तो उसमें कह रहा है कोई धन है, पहले आपने उसे 16% से उधार दिया, कितने साल के लिए, आपने 3 साल के लिए, और वही धन फिर दोबारा 16% से दिया कितने साल के लिए, 5 साल के लिए, ठीक। अगर मैं रहता आपको कि आपको पैसा वही है, यहाँ पर 16% से 3 साल में कितना ब्याज मिलेगा आपको, देखोगे तो 48% मिलेगा, यहाँ देखोगे तो कितना ब्याज मिलेगा आपको, 80 ब्याज मिलेगा। तो यहाँ पे जो डिफरेंस आ रहा है कितना है आपको देखोगे, तो आपको डिफरेंस देखोगे तो कितना आ रहा है, 32, ठीक है, 32%, ठीक है। दोबारा कहता हूँ, तो कोई पैसा पहले उधार दिया था, उतना पैसा बाद में दिया गया, दर दोनों बराबर है, तो ये आपको डिफरेंस दे रहा था, जो आपको 640 रुपये डिफरेंस दे रहा था, ये डिफरेंस आया कहाँ से, क्योंकि यहाँ पे ब्याज यहाँ दर तो बराबर थी लेकिन टाइम अलग अलग था। तो यहाँ पे इस वाले में 2 साल में 16% से अधिक ब्याज मिलता, कितना मिलता, 2 साल में 16% से, क्योंकि दर बराबर है तो टाइम एक्स्ट्रा लग रहा है, 2 साल ज्यादा है, 2 साल का ब्याज भी आपको ज्यादा मिलेगा, वो डिफरेंस कितना है, 32, 2 साल में 16% से कितना ब्याज मिलेगा एक्स्ट्रा, 32, यही 32 क्या है एक्स्ट्रा मिला डिफरेंस है, तो 32% की वैल्यू 640, 1% की वैल्यू कितनी आएगी आपकी, 20, तो 100% की वैल्यू कितनी आएगी आपकी, कितनी आएगी आपकी, 2000। ये आपका आंसर है, अगर आप लोगों को समझ में आया होगा। देखिए ये तो आपको अपने अपने तरीके से किया, इसको फॉर्मूले से करना कैसे है, फॉर्मूले कैसे करोगे, पी 16% जैसे दे रहा है और 5 साल के लिए दिया, यहाँ से कुछ ब्याज मिलेगा आपको, माइनस पी 16% से किधर 3 साल के लिए दिया, यहाँ से ब्याज मिलेगा, जो अंतर है वही आपको कितना दिया हुआ, 640। अब इसे सॉल्व करोगे तो यहाँ से देखोगे कि 16 × 80 पी 2800 माइनस 16 × 48 पी 2800 बराबर 640। डिफरेंस करोगे बेस से में घटा दोगे कितना आएगा, 32 पी 2800, ये कितने का बराबर है, 640 के, 32 से काटोगे 20 बार कटेगा, 100 स्तर भेजोगे आपका कितना आएगा आपका, सिंपली 2000। ये आपका आंसर था, जो कि आपको इस तरीके से बहुत ही आसान तरीके से बिना कुछ कुछ ने किया था। अगर चाहते तो आप इसको बिना कुछ लिखे सिर्फ एक लाइन में उसको तो और लिख सकते थे, क्योंकि 16% दर यहाँ है, 16% दर यहाँ पे दर बराबर है, तो फिर ये 640 का डिफरेंस आया क्यों, तो देखोगे कि यहाँ पे 3 साल के लिए था, यहाँ 5 साल के लिए, तो डिफरेंस क्यों आ रहा है कि यहाँ पे 2 साल के एक्स्ट्रा तुम्हें ब्याज मिलेगा, तुम्हें 16% से 2 साल में आपको ब्याज मिलेगा, कितना मिलेगा, 16 × 32 32%, और 32% की वैल्यू थी 640, मतलब एक की वैल्यू 20, 100 की 2000, तो आप उसको और ही निकाल सकते थे। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, किसी पूंजी पर 4 वर्ष के लिए 2.5% वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज और उसी पूंजी पर उतने ही समय के लिए 3% वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज, ब्याजों का अंतर 60 रुपये है, तो पूंजी याद कीजिए। तो ये वही क्वेश्चन कह रहा है, अगर पूंजी बराबर है, ठीक है, और दर दे रहा है 2.5%, इसको दिया 3%, और कह रहा है टाइम बराबर है दोनों में, यहाँ भी 4 वर्ष के लिए था, यहाँ भी 4 वर्ष के लिए था, और डिफरेंस जो दे रहा है आपको वो 60 रुपये दे रहा है।
अब यहाँ सोचने वाली ये बात है, अगर पैसा बराबर है टाइम बराबर है तो डिफरेंस आया क्यों है? तो यहाँ ध्यान से देखो क्वेश्चन में, तो उसमें क्वेश्चन बोल रहा है कि पहले पैसा दिया था वो 2.5% दर से दिया था लेकिन बाद में 3% से, तो टाइम बराबर है लेकिन दर हमने चेंज की, तो दर देखो यार 2.5% था या 3% है, तो मतलब 0.5% ब्याज दर यहाँ पे एक्स्ट्रा एक साल में, बात कर रहा है 4 साल की, तो यह 0.5% एक्स्ट्रा है 4 साल में, कितना एक्स्ट्रा हो जाएगा 2%, क्योंकि 0.5 × 4 ये कितना हो जाएगा आपका पॉइंट आपका 5 × 20 2% आएगा, तो कह सकते हैं 0.5% इधर से 2 साल में 2% एक्स्ट्रा मिलेगा, तो 2% की वैल्यू कितनी दिला 60, तो 1% की वैल्यू कितनी आएगी आपकी 30, तो 100% की वैल्यू कितनी होगी आपकी आएगी सिंपली 3000। ये आपका आंसर है और आपको चाहोगे इसको फॉर्मूले से कर सकते हो, वो आप खुद करके देख लेना और इसका एक बार फिर अगर ना समझ में आया तो एक बार करके दोबारा देख लेना। पर आपका कह रहा है कि किसी धनराशि को साधारण ब्याज की 2% ज्यादा वार्षिक दर पर 4 वर्ष के लिए निवेश किया गया होता, मतलब पहले कुछ दर से दिया, अगर 2% एक्स्ट्रा में निवेश किया होगा 4 साल के लिए तो उसे 68 रुपए अधिक मिलते। तो देखिए क्या क्या रहा है, तो पूंजी गुजरात से प्रिंसिपल था आपका, आपने कुछ मतलब एक्स परसेंट इधर से 4 साल के लिए निवेश किया, तो यहाँ पे तो कुछ ब्याज मिलेगा थोड़ा, ठीक है, अगर 2% अधिक पर निवेश किया होता तो 4 साल के लिए, तो कह रहा है कि उसे 68 रुपए अधिक मिलते, यहाँ अधिक मिलते क्योंकि दर बढ़ा दी गई। तो देखिए अगर से फॉर्मूले से करोगे, तो फॉर्मूले से बताता हूँ कि पी यहाँ दर बढ़ा दिए तो यहाँ बेचारा मिलेगी पी एक्स प्लस 2 × 4 क्यों बढ़ सकता है अपॉन 100, यहाँ से क्या मिलेगा माइनस पी एक्स 4 अपॉन 100 बराबर कितना आएगा 68, क्यों यहाँ से ब्याज मिलेगी SI1 SI2 दोनों का डिफरेंस, क्यों इसमें एक्स ज़्यादा मिला है वो कितना है 68 रुपए, तो इसमें से इसे घटा दो तो 68 रुपए निकल आएंगे। तो यहाँ से सिंपली आपको पी का मान पूछ रहा है, तो कहेंगे इसको सॉल्व करेंगे तो करना क्या था, यहाँ से काटोगे 25 बार, यहाँ से काटोगे 25 बार, ठीक है, और 25 चाहो तो उस पर गुणा कर सकते हो, तो यहाँ पी का मल्टीप्लाई करोगे पी एक्स प्लस 2p माइनस ये कितना हो जाएगा पी एक्स, और इधर कितना आएगा 68 × 25 पी एक्स से पी एक्स कट जाएगा आपका, तो 2p बराबर कितना आएगा 68 × 25, इससे काटोगे तो आपका आएगा 34 × 25, ये आपको पी की वैल्यू है, और सिंपली गुणा करना है 25 × 100 = 10, 25 × 75 और 10 × 85 ये आपका आंसर है 850 रुपये जो आपने पैसा उधार दिया था। एक तरीका ये आपका जो आप फॉर्मूले कर सकते थे, लेकिन यहाँ पे हमने अभी पिछले क्वेश्चन में सीखा कि किस तरीके से स्मार्ट अप्रोच से किस तरीके जल्दी कर सकते हो, तो देख रहे हो टाइम बराबर है, ये कितना पैसा एक्स्ट्रा मिल क्यों रहा है, टाइम आपका बराबर है 400 लेकिन यहाँ पे एक्स परसेंट है, लेकिन यहाँ पे एक्स्ट्रा है 2%, तो अगर यहाँ पे 2% एक्स्ट्रा परसेंट ब्याज दर है तो आपको 100 रुपये पर 2 रुपये एक्स्ट्रा मिलेंगे एक साल में, तो 4 साल में कितना परसेंट मिलेगा 8%, तो 8% की वैल्यू कितनी है 68, तो बोल सकते हैं यहाँ पे करते हैं 8% एक्स्ट्रा मिल रहा है और क्वेश्चन बोल रहा है कि 68 रुपये मिल रहा है, तो यहाँ से 1% की वैल्यू कितनी आएगी तुम्हारा निकालोगे तो तुम्हारा 4×4 = 728/2 तो बट गया है, और ये 1% की है 100% की निकालोगे कितना आएगा आपका 17/2 × 100 घंटे निकालिए, इससे काटोगे 50 बार 17/85 आपका आंसर आएगा 850 रुपये। कि किसी साधारण ब्याज दर से 2200 रुपये की धनराशि 3 वर्ष में 2652 हो जाती है, यदि ब्याज की दर 1% घटा दी जाए तो नजारा ब्याज क्या होगा। तो देखिए अपना क्वेश्चन नंबर है अगला है नंबर डालिए ना, ठीक है, तो अब कह रहा है कि 2200 रुपये की धनराशि थी तो आपकी 2652 हो गई, अगर 2200 × 2652 हो गई तो सिंपली कह सकते हो कि आपको ब्याज कितनी मिली होगी, तो घटा दोगे 452, ये तुम्हारी 452
एक्स परसेंट इधर से कितने साल में थी आपकी? तीन वर्ष सालों में, ठीक है। अब वो कह रहा है अगर यहीं पे दर 1% घटा दे और टाइम वही है तो ब्याज कितना होगा? अभी यहां मिला था, अब 1% घटा दी तो देखो करना क्या था यहाँ पे। अब क्या बताया, इतना ब्याज मिला अब दूसरा मिलेगा, लेकिन अब अगर दर कम कर दी 1% तो उसका 1% हमें कम मिलेगा एक साल में। अब बात कर रहा है तीन साल की, तो तीन साल में 3% कम मिलेगा, तो 2200 का 3% निकालोगे कितना कम मिलेगा? एक बार 3% कम निकालोगे तो हम कह सकते हैं सिंपली उसे 66 रुपये कम मिलेगा, जो आपको 452 रुपये मिला था अब 66 रुपये कम मिलेगा। अगर इसमें घटाओगे तो 12, 6, 14 और तुम्हारा 8, 11, 3, 386 रुपये जो आपका नया ब्याज होगा। आइए आप लोगों को समझ आया होगा, आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि किसी निश्चित ब्याज की दर से 6 वर्षों में 3200 रुपये की धनराशि 5312 रुपये हो जाती है। यदि ब्याज की दर को 2% अधिक कर दिया जाए तो अब नया मिश्रधन कितना होगा? पिछले क्वेश्चन में आपने देखा क्वेश्चन ब्याज पूछ रहा था, इसमें आपको मिश्रधन पूछ रहा है। तो ये करना कैसे है कि आपको अगर 3200 रुपये है आपका हो गया 5312 रुपये, 1% जैसे वो टाइम दे रहा है 6 साल। अब बताओ अब वो चाह रहा है यही पैसा x.x+2% मतलब वो 2% बढ़ाएगा और टाइम है 6 साल, कितना हो जाएगा? अब देखिए यहाँ पे इतना है, इतना तो आपको मिलेगा मिलेगा, इतना तो मिलेगा मिलेगा। अब देखना है कि दर को बढ़ा रहा है कम कर रहा है। यहाँ देख रहा है कि हमने दर 2% बढ़ा दी तो 2% का ब्याज एक्स्ट्रा मिलेगा और 2% से 6 साल में आपको कितना परसेंट मिलेगा? 12%। तो हम सिंपली 3200 का 12% निकालोगे तो जीरो कटेगी आपकी, बाद 24, 2, 4, 2, 36 और 2, 38 इतना पैसा आपको एक्स्ट्रा मिलेगा। तो इन्हें जोड़ दोगे तो 6, 9, 6, 5, 5696 इतना आपको पैसा मिलेगा। आइए आप लोग समझ आया होगा। क्वेश्चन बोल रहा है किसी निश्चित ब्याज की दर से 4 वर्षों में कोई धन 8800 रुपये की धनराशि 12000 रुपये हो जाती है। यदि ब्याज की दर 3% अधिक होती तो 7 वर्षों के अंत में यह मिश्रधन क्या होता? अब देखिए यहाँ पे इसने टाइम और दर दोनों चेंज कर दी। अगर आपकी कोई धनराशि है 8800 जो आप कितना हो जाती 12000 रुपये हो जाती है और कितने सालों में एक्स परसेंट की दर से सिंपली बोल रहा है कि 4 वर्ष में, ठीक है। वो आगे बोल रहा है कि यही धनराशि अगर 3% अधिक कर दे और टाइम इसने 7 साल कर दिया कि 7 साल में कितना हो जाएगी, ठीक है। अब यहाँ दर भी बढ़ा दी इसने, टाइम भी बढ़ा दिया, तो देखोगे अगर 8800 रुपये था 12000 रुपये हो गया तो आपको ब्याज मिली कितनी? तो यहाँ देखोगे तो यहाँ पे आपको 1200 और 3200 रुपये एक साल मिली है, तो 4 साल मिली है, एक साल में निकालोगे तो कितना मिलेगा आपको? सिंपली 800 रुपये। तो कह सकते हो एक साल में एक्स परसेंटेज से कितना मिला आपको? 800 रुपये। अगर हम बात करें इसी एक्स परसेंटेज से 7 साल में कितना मिला होगा तो 7, 8, 5600 रुपये ब्याज मिला होगा, ठीक है। तो 5600 ब्याज मिला होगा 7 साल में, अभी 7 साल हम टाइम को बराबर कर लिया, ठीक है। अब कह रहा है कि 3% ब्याज दर अधिक होती अगर 3% एक साल में 7 साल में 21%, तो इसका 1800 का 21% निकालोगे दुकड़े अभी और मल्टीप्लाई करोगे 8, 8, 24, 2 और आदमी 16, 16 और 2, 18 इतना ब्याज आपको एक्स्ट्रा मिलेगा। 5600 तो मिल ही रहा था आपको, अब 3% दर होने की वजह से इतना पैसा आपको और मिलेगा, मतलब कितना हो जाएगा 7448 रुपये आपको ब्याज मिलेगा। तो पूछा है अमाउंट कितना होगा, आप होता है अगर अमाउंट देखिए अमाउंट क्या होता है प्रिंसिपल प्लस एसआई और जोड़ लोगे तो 48
2 7 15 1 16 आपको कितना मिलेगा 16,248 रुपया आपका हो जाएगा। यह आपका आंसर है। अगर आप लोग समझ में आया होगा तो हमने क्या किया गया था, हम लोग टाइम की बराबर अलग कर रहा था, दर भी बढ़ा दिया, उसने टाइम बढ़ा दिया, तो पहले हमने टाइम को सेम किया, 4 साल से 7 साल में लेके कितना मिलेगा 5600 रुपये। फिर हमने देखा 3% से 7 साल में कितना का मिलेगा एक्स्ट्रा 1848, और 5600 रुपये मिल रहा था, टोटल कितना मिल रहा है 7448। अमाउंट पूछ रहा है तो 8800 रुपये हमारा प्रिंसिपल था और 7448 आपका ब्याज था, दोनों को ऐड कर दिया आपका आंसर आ गया 16248। अभी आप लोग एक व्यक्ति 5000 रुपए 2 वर्ष के लिए 4% वार्षिक साधारण दर से निवेश करता है या उधार देता है, वह तत्काल इसे किसी दूसरे व्यक्ति को 6.14% वार्षिक साधारण दर से 2 वर्ष के लिए उधार देता है तो उसे पूरे सौदे पर कितना लाभ होगा। तो देखिए अगर कोई पैसा आपका है 5000 रुपये, ठीक है, एक इंसान उधार लिया था 4% की दर से 2 साल के लिए, और ये किसी बंदे ने उधार लिया किसी व्यक्ति, और जिस बंदे ने उधार लिया था वो पैसा उसने किसी और को किस दर से दे दिया 6.14% से 2 साल के लिए, ठीक है। तो आप देख रहे हो, आप तो देख रहे हो कि उसने पैसा 4% दर से लिया, लेकिन उसे दूसरे को उसने 6.14% की दर से मतलब एक्स्ट्रा दर पे और दे दिया, तो उसे प्रॉफिट होगा, टाइम बराबर है, तो देख रहे हो कितना प्रॉफिट होगा 2.14% 2 साल में रन होगा, तो इतना प्रॉफिट होगा। अब जो सॉल्व करोगे 8 9 9/4 2 से काटोगे तो 9/2% इतना ब्याज मिलेगा, एक्स्ट्रा लाभ होगा तो किसका 5000 का, तो 5000 का परसेंट निकालो 9/2%, तो यह काटोगे ये कट जाएगी आपकी, इससे काटोगे 25 बार 25 में 225, यह आपका आंसर है, मतलब 225 रुपए का लाभ एक्स्ट्रा लाभ हुआ। बोल रहा है किसी धनराशि का साधारण ब्याज एक निश्चित ब्याज दर से 4 वर्षों के लिए निवेश किया गया है, यह 2% अधिक वार्षिक दर से निवेश किया होता तो उसे 56 रुपए अधिक मिलता। अभी उसमें बोल रहा है कि 4% की 4 वर्ष के लिए निवेश किया गया और 2% अधिक मिलता, अगर 2% अधिक मिलेगा तो 4 साल में कितना मिलेगा 8%, तो 2% अधिक मिल रहा है और 4 साल की बात कर रहा है तो कितना मिलेगा 8%, और क्वेश्चन बोल रहा है कि 56 रुपये अधिक मिलता, तो 8 की वैल्यू 56, 1 की वैल्यू 7 और 100 की वैल्यू कितनी होगी 700, ये आपका आंसर है। अगर आई आप लोगों को क्वेश्चन समझ आया होगा तो आप पहले आपकी इसकी प्रैक्टिस कीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।